वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं आईआर कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको आपका खुद का प्लान और डिज़ाइन चाहिए, नीचे आप एक नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, 40x60 फीट का ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। इसमें मैं आपके लिए एक अपार्टमेंट डिज़ाइन लेके आया हूँ। इसमें आपको 2 BHK के 6 फ्लैट मिलेंगे और सबसे टॉप पर आपको एक 3 BHK का पेंट हाउस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4060 प्लॉट है, तो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग आपको मिल जाएगा। आगे रोड दिखाया है और यहाँ पे आपको 2 गेट्स मिल जाएंगे। एक आपको मेन गेट मिल जाएगा जो कि आराम से आप 5 से 6 कार्स इजी से पार्क कर सकते हैं, और लेफ्ट में एक गेट प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप 2 व्हीलर्स वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम्प दिखाया है नॉर्थ ईस्ट, 100% एज पर वास्तु इस प्लान को बनाया है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ एज पर वास्तु बनी है। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं सम्प यहाँ पे दिखाया है। तो आगे आएंगे तो आपको ये कम्प्लीट पूरा ओपन एरिया पार्किंग मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेयर केस आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है लिफ्ट के साथ। 5x5 की कॉम्पैक्ट लिफ्ट आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 3 फीट वाइड स्टेयर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फ्लोर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टिपिकल प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अगर ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 BHK के 2 फ्लैट मिल जाएंगे। तो चलिए पहले पीछे वाले फ्लैट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस रहेगा। मेन डोर आप देख सकते हैं 3.5 फीट वाइड का मेन डोर आपको मिल जाएगा। काफ़ी स्पेशियस लिविंग आपको एंटर होते ही यहाँ पे मिल जाएगा इस पीछे वाले फ्लैट में। और यहाँ से आपको एक बालकनी भी मिल रही है। साइजेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट से आएंगे तो आपको एक पैसेज मिलेगा जो आपको लेके आएगा लेफ्ट साइड एक बेडरूम जो है 13 फीट 9 इंचज़ बाय 9 फीट 4.5 इंचज़ का। यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा, और इस बेडरूम को आपको एक बालकनी अटैच बालकनी भी मिल रही है। तो राइट साइड आप देखेंगे तो आपको 13 बाय 11 फीट 4.5 इंचज की एक और बेडरूम मिल जाएगी विथ अटैच बाथरूम और ड्रेसिंग एरिया। साइजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पीछे आएंगे तो आपको ओपन किचन विथ डाइनिंग मिल रहा है। काफ़ी स्पेशियस किचन और डाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो किचन से आपको एक यूटिलिटी मिल रहा है, और यूटिलिटी से आप यहाँ पे बालकनी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था पीछे वाला फ्लैट। तो चलिए आते हैं आगे वाले फ्लैट के पास। तो यहाँ पे आपको सेम ईस्ट एंट्री, दोनों फ्लैट्स के लिए आपको ईस्ट एंट्री मिल जाएगी। परफेक्ट 100% वास्तु के हिसाब से इस प्लान को बनाया है। तो यहाँ से आप आएंगे अंदर तो आपको एक स्पेशियस ऑलमोस्ट सेम साइज़ का लिविंग एरिया मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस लिविंग है, और यहाँ पर एक सेम बालकनी आपको मिल जाएगी। तो लेफ्ट में आप देखेंगे तो ओपन किचन विद डाइनिंग आपको मिल रहा है। 14x7 के करीब आपको किचन एंड डाइनिंग मिल जाएगा, और यहाँ से किचन से आपको एक यूटिलिटी भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यूटिलिटी से यहाँ पे बालकनी को भी एक्सेस आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सेंटर में एक पैसेज आपको मिल जाएगा, दो लेफ्ट और राइट में 2 कॉर्नर्स में आपको 2 बेडरूम्स मिल जाएंगी। साइजेस आप देख सकते हैं 13 फीट 9 इंचज़ बाय 9 फीट 4.5 इंचज़ विथ अटैच बाथरूम, और राइट में आपको 14 बाय 9 फीट 4.5 इंचज़ ड्रेसिंग और अटैच बाथरूम के साथ एक बेडरूम मिल जाएगी। तो सेंटर में एक कॉमन बालकनी प्रोवाइड कर दिया जो 5x6 फीट 9 इंचज़, आराम से 3 to 4 chairs आप यहाँ पे रख के बैठ सकते हैं। तो ये था आगे वाला फ्लैट। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर प्लान यहाँ पे लिखा है। तो जैसे आप देख सकते हैं टोटल 6 फ्लैट्स हो गए, तो आराम से आपको काफ़ी अच्छा रेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर आ जाते हैं हम फोर्थ फ्लोर के पास। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एंटर होंगे, लॉबी आपको 5 फीट वाइड मिल रही है। ऑल फ्लोर्स के लिए सेम 5 फीट वाइड आपको लॉबी मिल जाएगा। तो इसका मेन डोर आपको यहाँ पे 4 फीट वाइड मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एंटर करते ही आपको काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया मिल जाएगा। 19 फीट 4.5 इंचज़ बाय 20 फीट 3 इंचज़ का आपको लिविंग मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन बालकनी मिल रही है जो कि लिविंग से बेडरूम तक जाती है। 2.5 फीट वाइड आपको बालकनी मिल जाएगी। तो यहाँ पे पीछे पहले आ जाते हैं। आप यहाँ से आएंगे तो आपको ओपन किचन विद डाइनिंग, काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग और किचन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा पूजा रूम भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रॉकरी दिखाया डाइनिंग, यहाँ पे आप 20 फीट 1.5 इंचज़ बाय 9 फीट 4.5 इंचज़ साइज देख सकते हैं। डाइनिंग से आपको एक बालकनी भी मिल जाएगी। तो ओपन किचन है, साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूटिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11 फीट 4.5 इंचज़ बाय
3 फीट का, तो यहाँ से भी आपको एक बालकनी के लिए एक्सेस मिल जाएगा। 5x7 का स्टोर प्रोवाइड किया है और यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है जो 13x16 फीट 1.5 इंचेस, यहाँ पे भी आपको बालकनी एक्सेस मिल जाएगा विद ड्रेसिंग और अटैच बाथरूम आपको ये बेडरूम भी मिल रहा है। तो सबसे आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 बेडरूम्स मिल जाएंगी। ये राइट कॉर्नर की आप देख सकते हैं 14x9 फीट 4.5 इंचेस ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट के साथ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सेंटर में सेम कॉमन बालकनी जैसे आपने नीचे के फ्लैट्स में देखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको कॉमन बालकनी यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेफ्ट में आप देखेंगे तो 13 फीट 9 इंचेस बाय 13 फीट 1.5 इंचेस की आपको एक बेडरूम मिल जाएगी विद बालकनी, और इसके लिए भी हमने एक अटैच टॉयलेट और ड्रेसिंग प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे एक सेपरेट स्टडी एरिया भी आपको मिल जाएगा जो है 5x8 फीट का। तो जैसा आप देख सकते हैं फोर्थ फ्लोर प्लान है, पेंट हाउस बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं आराम से आप। जो नीचे के फ्लैट्स हैं 6 फ्लैट्स मिलेंगे आपको, ईजी से आप ये रेंट आउट कर सकते हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आप रह सकते हैं। 40x60 फीट में काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है, बहुत स्पेशियस प्लान बना है। अगर आपको ये प्लान पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आगे और भी बहुत सारे प्लान्स और डिज़ाइंस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो जैसा आपने देखा, ये था हमारा आज का 40x60 फीट का अपार्टमेंट डिज़ाइन। तो आज के लिए सिर्फ इतना दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल उस वॉक थ्रू को हम कंटिन्यू करते हैं।